हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की प्रश्नावली 7.1 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। विद्यार्थियों, प्रश्नावली की शुरुआत करने से पूर्व मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और आप निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके। बच्चों, इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पूर्व में थोड़ा पीछे जाऊंगा। कल हमने आपको त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स सिखाए थे, उस आधारभूत सामान्य जानकारी आपको सिखाई। कल हमने आपको सर्वांग सम आकृति के बारे में बताया था, क्योंकि कुछ जो हमने कल आपको सिखाया था मैं उसको थोड़ा रिपीट करूंगा तो इन सवालों को हल करने में आपको बड़ी सुविधा होगी। बड़े सरल सवाल है। कल हमने आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में सिखाया था और दो आकृतियां सर्वांग सम कब होती है उनके बारे में सिखाया था, तो मैं बता रहा हूं उन्हीं में बहुत कुछ मैंने आपको लिखा दिया। सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं? जब दो आकृतियां आकार तथा माप में समान हो तो वे सर्वांग सम आकृति कहलाती है। अर्थात जैसे दो त्रिभुज उनका आकार समान है और माप भी समान हो तो वे सर्वांग सम होंगे। दो वर्ग आकार में समान है और उनका माप भी समान हो, मानो एक 4 सेमी का वर्ग है, दूसरे भी 4 सेमी का वर्ग है, पहले वर्ग का नाम एबीसीडी है, दूसरे का PQRS है, तो दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, क्योंकि उनका माप समान है और आकार भी समान है। अथवा जब कोई एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लेती है तो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। ऐसा काफी उदाहरण आपके जीवन में, जैसे आपकी मैथमेटिक्स की बुक, दो मैथमेटिक्स की बुक रखो आपकी क्लास की, वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगी। जैसे छतरी छाता जो होता है बारिश में, बारिश से बचने के लिए, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अब सर्वांग सम आकृति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें क्या होता है। सर्वांग सम आकृति में जब दो आकृतियां सर्वांग सम होती है या दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं या दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके संगत भाग बराबर होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उन्हें क्या होते हैं? उनके संगत भाग बराबर होते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये दो त्रिभुज है, ये एबीसी, ये PQR, मान लो ये 3 सेमी की है, ये 4 सेमी की और ये 6 सेमी की है, ठीक है। इधर 3 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी है, तो देखो बच्चों इनका नाप समान हो गया, ठीक है। ये 3 सेमी की तो ये 3 सेमी की और ये 4 सेमी की तो ये 4 सेमी की और ये हमारे 6 सेमी की तो ये हमारी 6 सेमी, तो संगत भाग बराबर होंगे। अर्थात ये एबी किसके बराबर होगी? PQ की। एबी बराबर क्या होगा? PQ। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एबी किसके संगत होगा? PQ के। ये चिन्ह किसका होता है? संगत का। तो बराबर लिखो जा संगत रहे की बात, इसका मतलब बराबर, इसका मतलब बराबर। और BC किसके संगत होगी? BC होगी QR के। और CA
ये सीए किसके संगत होगी, आरपी के, राइट। इसी प्रकार कोण ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ये सर्वांगसम का चिन्ह। तो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है बच्चों, उनके संगत भाग बराबर होती है, अर्थात संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब देखो बच्चों, हम आज की शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न 701 के सवाल नंबर 1 की। निम्न कथनों को पूरा कीजिए, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। इसमें कुल मिलाकर 3 प्रश्न हैं, इन तीनों का हमको जवाब इस रिक्त स्थान में भरना है। इन तीनों कथनों को हमको पूरा करना है बच्चों। देखो बच्चों, पहला क्या है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि, यदि का मतलब कब होते हैं, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि, यदि का मतलब दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं, उसका जवाब हमको लिखना है। कल हमने आपको लिखाया था कि दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं, यदि उनकी माप समान हो या उनकी लंबाई समान हो। तो हम खालकर बनेंगे यदि उनकी लंबाई समान हो, उनकी लंबाई समान। तो देखो बच्चों, हमने पहला रिक्त स्थान भर दिया, पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया, हमें निम्न कथन को पूरा कर लिया, पहले कथन को हमने पूरा कर लिया। क्या लिखा है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। जैसे मान लो ये हमने एक रेखाखंड बनाया एबी, ये हमने बनाया सीडी, ये मान लो 3 सेमी है और ये मान लो 5 सेमी है, तो दोनों रेखाखंड सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनकी लंबाई 3 सेमी और 5 सेमी दोनों अलग अलग है। कब होंगे, जब ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी होना चाहिए, अथवा ये 5 सेमी है तो ये भी हमारे को 5 सेमी का रेखाखंड होना चाहिए, राइट। और मान लो इसको मैं कर दूं, मान लो ये 3 सेमी कर दिया मैंने, इसका मतलब ये एबी और सीडी रेखाखंड क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, अर्थात ये बराबर होंगे। तो दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं, जबकि उनकी लंबाइयां क्या होनी चाहिए बच्चों, समान। इसको हम विलोम बोल सकते हैं, दो समान लंबाई के रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं, राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप कितनी होगी। बड़े सरल है सवाल, कोण कैसे है बेटा, दो सर्वांग सम कोण है अर्थात दोनों का मान समान होगा, दोनों का मान बराबर होगा। तो दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे की माप भी कितनी होगी बच्चों, 70 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि दो सर्वांग सम कोण कब होते हैं, जब उनका माप समान होता है। दो कोण सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनका माप समान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे की माप भी कितनी होगी, 70 डिग्री है। तो पहला आपके समान आ गया, समझ में आ गया, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान है। दूसरा समझ में आ गया, दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे की माप भी कितनी होगी, 70 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि दो सर्वांग सम कोण कोण की माप हमेशा समान होती है। अब देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है इसमें, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, मतलब कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है,
जब कोण, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तविक अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है कि यहां पे इस कोण ए पता नहीं कितने डिग्री का है, कोण ए कितने डिग्री का है, तो हम लिखेंगे कोण ए का माप, एम कोण ए बराबर एम कोण बी। देखो बच्चों क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, इसका अर्थ क्या होता है, हमारा वास्तव अर्थ क्या होता है, इसका मतलब यहां बढ़ देंगे एम, एम कोण ए बराबर एम कोण बी, या मान लो जो कोण सी बराबर कोण डी, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, एम कोण सी बराबर एम कोण डी, इस एम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट यानी माप, इसका मतलब है कोण ए की माप, मेजरमेंट को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, हिंदी बोलते माप, तो कोण ए की माप बराबर होगी कोण बी की माप के, इसका मतलब यह होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जब दो कोण ए और बी बराबर हैं तो वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है, जब हम कोण ए बराबर, ये कोण का चिन्ह है, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोण ए की माप और कोण बी की माप बराबर है, इसका मतलब यह होता है। और माप को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, तो लिखेंगे एम, तो इसका अर्थ होता है एम कोण ए बराबर एम कोण बी, ऐसा लिखेंगे हम, एम कोण ए बराबर एम कोण बी। ये थर्ड भी आपके समझ में आ गया। क्या लिखा है इसमें कि जब दो कोण समान होते हैं यानी ए और बी दोनों कोण बराबर हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, हमारा वास्तव अर्थ होता है कि कोण ए की माप कोण बी की माप के बराबर है। इट मीन्स एम कोण ए बराबर एम कोण बी, एम कोण ए, एम का मतलब माप, कोण ए की माप बराबर है कोण बी की माप के, यानी एम कोण ए बराबर एम कोण बी। नंबर दो देखिए, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। वास्तविक जीवन का मतलब है रियल लाइफ, आप अपने दैनिक जीवन में अपने घर में, घर के बाहर आते जाते घूमते फिरते बहुत सी ऐसी आप वस्तुओं को देखते हो कि जो देखने में एक जैसी लगती है और वो माप में भी समान होती है, तो वह क्या कहलाती है, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे अपने आसपास में सर्वांगसम आकृतियों के, तो सर्वांगसम आकारों के बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे अपने आसपास में। आपको केवल दो लिख रहे हैं, नंबर एक, जैसे मान लो आप खेल खेलते हो फुटबॉल का, तो दो फुटबॉल लिख लो, दो फुटबॉल, दो फुटबॉल क्या होती है, ध्यान देना, एक दो, दोनों समान माप की होती है, फुटबॉल का माप समान होता है, तो दो फुटबॉल क्या है, सर्वांगसम आकार है। मान लो दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, स्कूल जाते हो आपके अध्यापिका है या आपके अध्यापक जी हैं जो भी है, अध्यापिकाओं की दो मेज, आप स्कूल में जाते हो अध्यापिका के सामने मेज रहती है टेबल, फिर दूसरी मैडम आती है दूसरी अध्यापिका उनकी अलग माप, तो मेज का माप तो समान होता है, या आप जिस पर बैठते हो वो भी समान है, तो अध्यापिका को दो मेज, इसके अलावा आप और नहीं सकते, जैसे मान लो मैं दो की जगह तीन भी ले सकता हूं, मान लो क्रिकेट का बैट, दो क्रिकेट के बैट या बल्ले, तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, दो फुटबॉल सर्वांगसम आकार के होते हैं, अध्यापिकाओं के दो मेज ये भी क्या होती है, सर्वांगसम आकार की होती है, दो क्रिकेट के बल्ले या दो क्रिकेट की बॉल गेंद जिसे कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, दो आपकी कक्षा साथ की गणित की पुस्तकें, ये भी तो है,
तो ये आपके समझ में आ गया वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण हमने दे दिए। अब देखो तीसरा यदि सुमेलन एबीसी एफईडी के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम एफईडी हो तो त्रिभुजों के सभी संगत भागों में लिखिए। बेटा सुमेलन का क्रम से तो देखो पहले कोणों में लिखेंगे कोण, ये कोण कौन सा है तो कोण ए किसके बराबर होगा एफ के, राइट। फिर बी किसके बराबर होगा ई के, कोण बी बराबर कोण ई। फिर कोण सी किसके बराबर होगा डी के, कोण सी बराबर होगा कोण डी के। तो ये कोण हो गए, इसी प्रकार भुजाओं को लिखेंगे। भुजाएं देखो बच्चों इसी प्रकार भुजा ये कौन सी भुजा एबी, एबी किसके बराबर होगी एपी के, तो देखो एबी बराबर होगी एपी। फिर देखो बच्चों इसके बाद में बीसी किसके बराबर होगी ईडी के, ठीक है। अब देखो ये एससी किसके बराबर होगी एफडी के। तो ये क्या होता है संगत भाग क्या होते हैं बराबर, एक क्रम से होते हैं बेटा क्रम से, ए के बराबर एफ, बी के बराबर ई और सी के बराबर डी, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार देखो ये नंबर चार त्रिभुज डीईए सर्वांगसम त्रिभुज बीसीए हो तो त्रिभुज बीसीए के उन भागों पर लिखिए जो निम्न के संगत हो। त्रिभुज बीसीए के इन भागों पर लिखना है जो निम्न के संगत हो। तो देखो बच्चों कोण ई, ये कोण ई किसके बराबर होगा सी के बराबर, इसी भर दो आप ये आंसर। इसी प्रकार लिखा ईए, तो देखो बच्चों ये ई एफ यहां से लेके ये ई एफ किसके बराबर होगा सी ए के, ये रेखाखंड सी। तो देखो ई एफ यहां से लेके है तो ये एफ किसके बराबर होगा सी ए के बराबर होगा। अब देखो एफ ये किसके बराबर होगा ए के, कौन एफ ए के बराबर होगा क्रम से। डी एफ ये डी ए किसके बराबर होगा बी ए के, ये किसके बराबर होगा बच्चों डी ए, ये डी ए किसके बराबर होगा बी ए के, ये आंसर आ गया। इस प्रकार आप क्रम से लिख दिया करो कौन कौन से संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग का मतलब क्रम से सभी क्रम क्रमागत या सभी क्रम से या सभी संगत भाग आपस में क्या होते हैं बराबर, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। डी बी के बराबर, ई सी के बराबर और एफ ए के बराबर। इस प्रकार सात और एक प्रश्न मैंने आपको आज कंप्लीट करा दी। मैं आशा कर सकता हूं कि आपको बड़े अच्छे तरीके से यह समझ में आई होगी। बच्चों इसके बाद कल मैं आपको प्रश्न 7.2 के सवाल हल कराऊंगा। आप इस प्रश्नवाली 7.1 के सवालों को अपनी नोटबुक में उतारना, इन सवालों को आप अच्छी तरह लर्न करना। और बच्चों 7.2 के मैं कल आपको शुरुआत कराऊंगा सवालों की, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।